जीपीएल न्यूज टुडे गोपालगंज की धड़कन, अपने भाषा की पहचान। गोपालगंज जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन बांध व गंडक नदी के जल स्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ की संभावना को देखते हुए पूरा इंतजाम कर लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को बाढ़ से राहत दिलाया जा सके। आज सदर SDO वर्षा सिंह, CO विजय कुमार, वरीय उप समाकर्ता पिंकी कुमारी, NDRF इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता समेत कई अधिकारी NDRF द्वारा नाव से निचले स्तर का निरीक्षण किया। SDO ने नाव के द्वारा करीब 20 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने निचले स्तर के गांव जगीरी टोला, ख्वाजेपुर, कटघरवा, बिशुनपुर मसान थाना, जादवपुर एवं रामपुर टेंगराही में रहने वाले लोगों को कई हिदायत देते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि खासकर कटघरवा पंचायत के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। पूरी तरह से तैयार है, हमारे पास 8 मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, ट्रेंड गोताखोर हमारे पास उपलब्ध हैं। जहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बनेगी वहाँ पे हमारी टीम पहुँचकर जो भी सर्च एंड रेस्क्यू का काम है वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा हमारे पास मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, फर्स्ट एड के लिए भी हमारे पास सामान है। यदि छोटी मोटी कहीं कंट्रोल ब्लड कंट्रोल करना हो, ब्लेंडिंग करना हो, उसके लिए भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं। जैसा कि आप जानते हैं गोपालगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने जो है ब्लॉक वाइज जो है जागरूकता अभियान स्टार्ट कर दिया है। और हर ब्लॉक में जो है हमारे लोग जा करके लोगों को जन जागरूक करेंगे बाढ़ के बारे में, बाढ़ के क्या क्या तैयारी रखना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, जिससे जो है नुकसान कम से कम हो सके। और इसके अलावा जो सांप काटने से जो नुकसान होता है उससे कैसे क्या बचाव करना चाहिए, क्या एहतियात लेना चाहिए, और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर फर्स्ट एड के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं हम लोग जगह जगह जा सकते। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर दीपक कुमार गुप्ता, हम लोग पटना NDRF से आए हुए हैं यहाँ पे। माता का
साथ रेकी किया गया है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसको देखा गया है करीब से। तो इस क्रम में हम लोग लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर गए हैं और कटघरवा पंचायत को खासकर देखा गया है जहां 50 से 60 घर बिल्कुल पानी के बगल में हैं। तो उन लोगों से कहा भी गया है कि आप लोग जाएं, उनको पहले भी सूचना दी गई है कि पानी का लेवल बढ़ रहा है तो आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। तो जैसे ये होता जाएगा हम लोग डेली बेसिस पे अलर्ट करते रहेंगे और प्रिपेयर्डनेस हमारी है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, एम्बैंकमेंट हमारा मजबूती से हम लोग उस पर रिपेयरिंग भी करवाते हैं जब आवश्यकता पड़ती है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो हम लोग ये जो मानसून सीजन है इसको सक्सेसफुली निकाल लेंगे। अभी जो खतरे की जो बात है, क्या खतरे से बाहर है अभी? अभी कोई खतरे की बात नहीं है, कुछ पानी रिलीज किया गया था और वो अभी जा रहा है, शाम तक के पानी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह का कोई अलर्ट होने की कोई बात नहीं है, ये रेगुलर होता रहेगा बीच बीच में, लेकिन इस तरह का कुछ भी होता है तो हम लोग सूचना ज़रूर शेयर करेंगे ताकि लोग पहले से ही सतर्क हो जाएँ।